एक ऐसा ब्रांड जिसकी शुरुआत एक अनुभवी प्रतिभाशाली बिजनेसमैन द्वारा की गई। लक्ष्य था उच्च गुणवत्ता का दूध उपलब्ध कराना। एक ब्रांड जिसका लक्ष्य है किसानों को सशक्त करना। एक ब्रांड जो समझता है स्वाद के महत्व को। एक ब्रांड जिसने अच्छे उत्पाद और सेवाओं के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ाया। एक ब्रांड जो समझता है सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन में छुपे अवसरों को। एक ब्रांड जिससे उसके कर्मचारी दिल से जुड़े हैं। HF सुपर, एक ब्रांड जिसका सिद्धांत है सुपर खाओ सुपर जियो। आइए आपको दिखाते हैं कि HF सुपर का एक दिन कैसा बीतता है। इसकी शुरुआत हम डेयरी से करेंगे और बाद में आपको बेकरी की ओर लेकर चलेंगे। जैसे हम पहले ग्लास में दूध निकालते हैं और फिर सैंडविच बनाते हैं। इसकी शुरुआत सूरज निकलने के साथ उस वक्त ही हो जाती है जब एक किसान अपनी गाय का दूध निकालता है। HF सुपर किसानों के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा रहता है ताकि बेस्ट फार्म से ताजा दूध ही जमा किया जा सके। कंपनी ने दूध जमा करने का अपना नेटवर्क तैयार करने में पिछले 25 सालों में कड़ी मेहनत की है, जिसका नतीजा है आज कंपनी ने 650 से अधिक विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर्स यानी VLCs बनाए हैं। HF सुपर ने भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 9 चिलिंग सेंटर्स बनाए हैं। इन चिलिंग सेंटर्स पर 24 डेयरी फार्म्स और अनेकों विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर्स से दूध आता है और शुरुआत से ही दूध की ताजगी और गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है। हम जमा हुए दूध का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं ताकि दूध के न्यूट्रिशंस और क्वालिटी को बरकरार रखा जा सके। HF सुपर पंजाब हरियाणा और राजस्थान के लगभग 8,500 किसानों से दूध जमा करता है। चिलिंग स्टेशंस में जमा दूध को अब पंजाब की मंडी गोविंदगढ़ स्थित स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है, जहां बेस्ट फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहां आए हुए दूध के स्वाद की जांच की जाती है और अप्रूवल मिलने के बाद ही दूध को इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक्स में जमा किया जाता है। इस दौरान लाइन फिल्टर और प्लेट हीट एक्सचेंज चिलर से कच्चे दूध के तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस पर तब तक मेंटेन किया जाता है जब तक कि दूध प्रोसेस्ड नहीं हो जाता। पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया एक उच्च गुणवत्ता वाले पॉस्चराइजेशन प्लांट में की जाती है। यहाँ सभी कार्य ऑटोमेटिक कंट्रोल के द्वारा किए जाते हैं। पॉस्चराइज्ड मिल्क को ऑनलाइन क्रीम सेपरेटर्स के सहयोग से अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से साथ साथ ही अलग किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया स्टेनलेस स्टील के इंसुलेटेड टैंक्स और पाइप्स के अंदर की जाती है जो SS304 से बने हैं और इस कार्य के लिए सबसे बढ़िया है। लगभग 2,00,000 लीटर पॉस्चराइज्ड मिल्क को फुली ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से पैक किया जाता है। यहाँ 500 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर के पैकेट्स नियमित रूप से तैयार किए जाते हैं, जबकि 6 लीटर की पैकिंग को कमर्शियल और बल्क बायर्स के लिए तैयार किया जाता है। मक्खन जो आपके नाश्ते का मेन आइटम है, ये क्रीम स्टोरेज टैंक्स में क्रीम के पकने से तैयार होता है, जिसके बाद इसे लगातार बटर मेकिंग मशीन और बटर मेल्टिंग ट्यूबुलर बटर मेल्टर में प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद बटर को ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन के द्वारा पैक किया जाता है। फुली ऑटोमेटेड प्लांट होने के कारण इंसानी स्पर्श लगभग जीरो होता है। HF सुपर अलग अलग मात्राओं में उच्च गुणवत्ता का घी भी उत्पादन करता है। इसकी प्रक्रिया घी क्लेरिफायर में घी के फिल्ट्रेशन और क्लेरिफिकेशन के साथ शुरू होती है, जिसके बाद घी पॉलीजार्स और सीका टेनर पैक्स में ऑटोमेटिकली भर दिया जाता है। हर स्टेप पर निरंतर कड़ी निगरानी और क्वालिटी चेक की जाती है। कंपनी उच्च गुणवत्ता का दानेदार मिल्क पाउडर भी तैयार करती है जो वाइब्रोफ्लूडाइज्ड बेड युक्त दोहरे निर्जलीकरण से गुजरकर PLC ऑपरेटेड पैनल द्वारा संचालित अति आधुनिक ड्रायर में तैयार होता है। HF सुपर मार्केट में लस्सी और दही जैसे प्रोडक्ट्स के माध्यम से तेजी से अपना शेयर बढ़ा रही है। जिनको ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स पर ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक पैक किया जाता है, इनको उचित तापमान पर सहेजा और स्टोर किया जाता है, जिसकी कुशल स्टाफ के द्वारा लगातार निगरानी की जाती है। प्लांट के अंदर तैयार हर प्रोडक्ट के
हर बैच की लैब्स में निरंतर क्वालिटी चेक भी की जाती है। एचएफ सुपर पनीर के उत्पादन के दौरान सख्त क्वालिटी कंट्रोल का पालन करता है, जिससे इसका टेस्ट फ्रेश रहता है। और एचएफ सुपर का ये स्टार प्रोडक्ट भरने से भी कम समय में आपके घर तक पहुंच जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात बिना मिठाई की बात किए बिना कैसे खत्म हो सकती है। हमारे पास कोन्स, कप्स, गैलन्स, टब्स और ब्रिक्स में आइसक्रीम फ्लेवर्स की विशाल रेंज है। एचएफ सुपर की मिठाई की रेंज में खीर, पिन्नी और मफिंग्स की भी कई वैरायटीज हैं, जिनको लगन के साथ एचएफ सुपर के ग्राहकों के लिए तैयार किया जाता है। हमारे पास अलग अलग फ्लेवर्स के मिल्क भी हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति सजग ग्राहकों के लिए परफेक्ट कूलर की तरह काम आते हैं। हमने 1994 में हाइजेनिक फूड के नाम पे 10,000 लीटर की कैपेसिटी का प्लांट लगाया और उसको बढ़ाते हुए हम ईयर 2000 में उसकी जो हमारा टोटल यूटिलाइजेशन उसकी थी 1,00,000 लीटर तक पहुंची। फिर हम यहाँ पे मंडी गोविंदगढ़ में 2004 में आए, यहाँ पे 2.5 लाख लीटर का हमने ये यूनिट लगाया और आज की डेट में हम इसको 5,00,000 लीटर तक क्रॉस कर गए हैं। 2004 में हमने आइसक्रीम लॉन्च की थी और ये आइसक्रीम की जो है कैपेसिटी हमारी काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया आइसक्रीम की क्वालिटी को, तो अब हम इसको और इसका नए यूनिट लगाने जा रहे हैं और इसके यूनिट्स और लगाएंगे हम, ताकि जो हम लोगों की डिमांड है और जो जैसे वो डिमांड लोग चाहते हैं उनको हम पूरा कर सकें। सर, अपने डेयरी की सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखते हुए हमने लास्ट ईयर डिसीजन लिया अभी हमें बेकरी यूनिट लगाना चाहिए और जो बेकरी यूनिट हमने लगाया है उससे अब जो हमारी डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है, अब हम उसको बड़ी जल्दी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। अब तक हमने अपने फेवरेट डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन के बारे में जाना, अब हम आपको एचएफ सुपर के स्टेट ऑफ द आर्ट बेकरी प्लांट की ओर लेकर चलते हैं, जिसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया। इस डिवीजन में एचएफ सुपर ब्रांड के ब्रेड, रस्क और दूसरे बेकरी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार पाने हेतु बेकरी की अनुभवी टीम ये सुनिश्चित करती है कि बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने हेतु प्रयोग किए जाने वाला आटा मैदा बुलर मिलिंग प्लांट द्वारा स्थापित मशीनों द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया हो। छनाई के लिए आटा हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट फुली ऑटोमेटिक ब्रेड प्लांट के अंदर लाया जाता है, जहां प्रोसेसिंग के समय आटे को ह्यूमन टच से भी दूर रखा जाता है। छनाई के बाद आटे को मिक्सिंग बोल में डाला जाता है, जहां एचएफ सुपर डेयरी प्लांट में छाछ और दूसरी चीजें मिलाकर अलग अलग बेकरी उत्पादों ब्रेड, रस्क और बन के लिए सही लोई तैयार की जाती है। एचएफ सुपर बेकरी प्लांट की प्रोडक्शन क्षमता 1,00,000 ब्रेड्स प्रतिदिन है। ब्रेड बनाने के लिए सामग्री युक्त गुथा हुआ आटा डिवाइडर हॉपर में डाला जाता है, जहां डिवाइडर उसे गोल आकार के टुकड़ों में काट देता है। ब्रेड उत्पादन की पूरी प्रक्रिया टेक्निकल स्टाफ के द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रक्रिया से संबंधित सभी पैरामीटर्स का सख्ती से पालन करते हैं। ब्रेड के अलग अलग बैच के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। पैंस को प्रोविंग के लिए प्रोफर में लाया जाता है, जिसके बाद पैंस को कन्वेयर बेल्ट पर लाया जाता है, ताकि उनको बेकिंग के लिए अवन में पहुंचाया जा सके। बेकिंग के बाद पैंस को डीप पैनिंग के लिए बाहर लाकर कूलिंग चैम्बर्स में रखा जाता है, ताकि बाद में तैयार ब्रेड के स्लाइस किए जा सके। तकनीकी और प्रशिक्षित स्टाफ प्रोसेसिंग, पैकिंग और डिस्पैच तक निरंतर क्वालिटी से संबंधित पैरामीटर्स पर नजर रखते हैं। इस तरह तैयार स्वादिष्ट और पौष्टिक ब्रेड ही आपको अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलती है। ये आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एचएफ सुपर का अवन इंडिया में सबसे विशाल है। स्वादिष्ट रस्क बनाने के लिए लोई कई चीजों से बनती है। उपयुक्त तापमान पर इसे पकाया जाता है, फिर इसकी स्लाइसिंग की जाती है, उसे टोस्ट और पैक किया जाता है। हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज में कुलचा, बर्गर बन, फ्रूट बन, पिज्जा बेस, कुकीज, मिल्क पाव के साथ और भी बहुत कुछ है। एक ब्रांड होने के नाते एचएफ सुपर ने ऊपरी उत्तर भारत में अपनी खास पहचान बनाई है।
पंजाब से अपनी शुरुआत करने के साथ ही एचएफ सुपर ने न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अपनी जगह बनाई है और अब प्रोडक्शन क्षमता के साथ साथ अपनी मार्केट भी बढ़ा रही है। कंपनी को अनुभवी और योग्य प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोफेशनली चलाया जाता है। कंपनी में अलग अलग स्तरों पर प्रतिबद्ध मैनेजर्स की टीम है और कंपनी से प्यार करने वाले कर्मचारियों की फौज है जो ब्रांड एचएफ सुपर की प्रगति के लिए दिन रात समर्पित हैं। बेकरी में इतने कम समय में अपनी क्वालिटी और वैरायटी के चलते जिस तरह की डिमांड पैदा हुई है उसने साबित किया है कि एचएफ सुपर एक मजबूत ब्रांड के तौर पर उभरा है। निरंतर मेहनती प्रयासों और रॉ मटेरियल्स की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान देने के नाते साथ ही बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स के बेस्ट क्वालिटी होने के कारण एचएफ सुपर ब्रांड के प्रोडक्ट्स की मांग बाजार में बड़ी तेजी से बढ़ी है। आज एचएफ सुपर पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में एक प्रतिष्ठित ब्रांड है।